नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिल सकता है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एडिबल कॉम्प्लेक्स में काफ़ी उठापटक का माहौल रहा, जहां पर सोयाबीन में 6,800 से एक गिरावट का रुख देखने मिला और 6,250 के करीब की क्लोजिंग आई। वहीं पर हमने रिफाइंड सॉयल और CPO में न्यू रिसेंट लोज बनते हुए देखे, जहां जो रिफाइंड सॉयल के प्राइजेस है वो 1160-65 के जोन के आसपास जाकर 1190 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुए। वहीं पर CPO ने भी 1050 के करीब की लोज दिखाए और 1070 के करीब क्लोजिंग दी है करंट मंथ के फ्यूचर्स ने। तो जानेंगे कि आगे क्या रुझान रहेगा। सोयाबीन से शुरू करते हैं। तो सोयाबीन में ऐसा लगता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि एक उठापटक का माहौल देखने मिलेगा, यानी एक रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। ये जो रेंज होगी ये 6,050 से लेकर 6,600 की हो सकती है, क्योंकि अब हम रेंज के लोअर एंड के करीब जा रहे हैं। तो आने वाले सप्ताह में हो सकता है 2 या 3 दिन हम 6,050 से 6,100 के करीब रुक करें, लेकिन उसके बाद में अपर एंड ऑफ द रेंज यानी 6,600 तक जाने की संभावना बनी हुई है। कुछ समय तक मेरा मानना है कि ये रेंज रहेगी, हालांकि उसके बाद 7,000 के ऊपर के भाव हमें देखने मिल सकते हैं। ये लंबी अवधि का टारगेट होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस 6,050 से 6,600 का एक दायरा रहेगा। तो अगर हम दायरे के निचले स्तरों के करीब प्राइजेस को देखें तो वहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। वहीं रिफाइंड सोयल में 1190 की क्लोजिंग आई है और शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि 1160 से 65 के बीच एक बेस बन चुकी है। अपसाइड में 1215 से 1220 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो 1180 से 75 के बीच अगर प्राइजेस मिले तो वहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है और 1 हफ्ते से 10 सेशंस के अंदर ऐसा मेरा मानना है कि करंट प्राइजेस से 1215 से 20 के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। वहीं CPO में भी ऐसा लगता है कि 1050 का लेवल जो है वो होल्ड कर जाएगी प्राइजेस। अपसाइड में हम एक ग्रेजुअल अपसाइड देख सकते हैं, यानी धीरे धीरे प्राइजेस जो हैं दोबारा 1100 के ऊपर के लेवल को छू सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने देखा कि खास करके हल्दी में 9,000 के ऊपर के स्तर जो उम्मीद कर रहे थे उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, 9,110 की क्लोजिंग आई है। और ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है ये और एक्सटेंड होगी, और जो पिछले हाईज हमने 2 या 3 महीने पहले देखे थे 9,500 के करीब, स्लोली एंड स्टडीली प्राइजेस जो हैं उसके तरफ जा सकती हैं। तो जो भी डिप आती है 8,950 से 9,000 के बीच, वहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। इमीडिएट तौर पर 9,280 और उसके बाद 9,500, ये दो लक्ष्य लिए जा सकते हैं। वहीं पर जो धनिया है और जीरा है उसमें एक दायरे का कारोबार होने की संभावना है। तो जीरे में जो दायरा है वो 16,400 से लेकर 15,950 का होगा, तो एक साइडवेज सा कारोबार होगा। इस दायरे के दोनों तरफ ट्रेड किया जा सकता है, यानी ऊपरी स्तरों पे बिकवाली और निचले स्तरों पे खरीदारी की जा सकती है। वहीं धनिया में ऐसा लगता है कि हल्का सा गिरावट का रुख रह सकता है और हम करंट प्राइजेस से करीबन 200 से 250 रुपये की एक गिरावट शुरुआत में देख सकते हैं। तो मिक्स सा कारोबार पूरे ही मसाला कॉम्प्लेक्स में होगा, जहां हल्दी में तेज़ी दिखाई दे रही है, वहीं जीरे में रेंज बाउंड कारोबार और धनिया में हल्की सी गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो भी बाय टारगेट पिछले हफ्तों में दिए थे वो कहीं ना कहीं अचीव होते हुए दिखे। इस हफ्ते में 6,250 के ऊपर के लेवल भी देखे, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 6,100 की करीब की आई है। ऐसा लगता है कि अब ये जो करेक्शन है ये जारी रहेगी अगले हफ्ते, और हो सकता है हम 5,950 से 5,930 तक के लेवल शुरुआती दौर में देखें। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो लंबी अवधि के निवेशक हैं यहाँ पर दोबारा बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि 5,600 का जो स्तर है, जो पहले भी एक सपोर्ट था, अभी भी सपोर्ट रहेगा। और ओवरऑल बड़े पिक्चर के हिसाब से दोबारा हम 6,500 के ऊपर ग्वार सीट को जाता हुआ देख सकते हैं। वहीं पर ग्वार गम में 11,200 के करीब की क्लोजिंग दी है, अपसाइड में 11,500 के करीब प्राइजेस गई थी। तो एक जो यहाँ पर भी बाय टारगेट एस्टिमेट किया गया था वो अचीव होता हुआ दिखा, और उसके बाद एक करेक्शन भी आते हुए दिखी है। अब ये करेक्शन 11,000 के नीचे प्राइजेस को इनिशियली लेके जा सकती हैं, यानी 10,900-10,950 तक। तो शॉर्ट टर्म बेसिस बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो लंबी अवधि के निवेशक है दोबारा 10,900 के करीब बाइंग पोजिशन बना के चल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं 2 से 3 हफ्तों की बात करूं तो ऐसा लगता है कि दोबारा 11,600 के ऊपर दाम ओवरऑल निकल सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि मेजर एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।